बागी टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म है। यह उस आम दर्शक के लिए है जो बॉलीवुड फिल्मों में रोमांस, गाने और एक्शन देखने के लिए टिकट खरीदता है। इस दर्शक वर्ग को अपनी पसंद की अनुरूप फिल्म लंबे समय से नहीं मिल रही थी और इस कमी को बागी दूर करती है। कहानी रामायण से प्रेरित है। रोनी अनुशासनहीन लड़का है। उसके पिता दक्षिण भारत स्थित एक शहर में उसे मार्शल आर्ट सीखने के लिए भेजते हैं। यात्रा के दौरान रोनी की मुलाकात सिया से होती है और वह उसे दिल दे बैठता है। मार्शल आर्ट की कठिन ट्रेनिंग रोनी में बदलाव लाती है। यहाँ उसकी मुलाकात मार्शल आर्ट के चैंपियन राघव से होती है। राघव भी सिया को चाहता है। रोनी और सिया के बीच गलतफहमी पैदा कर उन्हें दूर कर दिया जाता है। कुछ वर्षों बाद रोनी को पता चलता है कि राघव ने सिया का अपहरण कर लिया है और उसे अपने साथ बैंकॉक ले गया है। सिया को बचाने का जिम्मा रोनी को दिया जाता है। वह अकेला ही शक्तिशाली राघव को सबक सिखा देता है। कहानी में नयापन नहीं है और सारा दारोमदार स्क्रीन प्ले पर टिक जाता है। इस पुरानी कहानी को नई सजावट के साथ पेश किया गया है। मार्शल आर्ट के स्टंट, ताजगी भरा रोमांस और कुछ बढ़िया हास्य दृश्यों के सहारे दर्शकों को बांध कर रखा गया है। फिल्म को तेज गति के साथ दौड़ाकर दर्शकों को ज्यादा सोचने का समय नहीं दिया गया है। इंटरवल तक फिल्म बांध कर रखती है, लेकिन बाद में फिल्म अपनी लय खो बैठती है। क्लाइमेक्स के दौरान फिर गति पकड़ लेती है। स्क्रीन प्ले की कुछ कमियां भी उभर कर आती है, जैसे एक छोटे बच्चे के ऑपरेशन के लिए रोनी को पैसे की जरूरत होती है और यह ट्रैक अधूरा ही छोड़ दिया गया है। उस बच्चे की जिम्मेदारी रोनी क्यों उठाता है, इसका जवाब नहीं मिलता। रोनी और सिया के ब्रेकअप के लिए परिस्थितियों को ठीक से पैदा नहीं किया गया है। बैंकॉक में इतनी सारी हत्याएं कर रोनी का बच निकलना हजम नहीं होता। साबिर खान ने एक्शन, इमोशन, रोमांस और कॉमेडी का अच्छा संतुलन बनाया है। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर के प्लस पॉइंट्स पर निर्देशक साबिर ने अपना दाव खेला है। टाइगर स्टंट्स में माहिर है, इसलिए उनकी यह खासियत दिखाने के लिए फिल्म में स्टंट्स पर विशेष जोर दिया गया है। श्रद्धा कपूर की मासूमियत और चुलबुलेपन को भी साबिर ने बखूबी उभारा है। इंटरवल के बाद साबिर ने सारी बागडोर एक्शन डायरेक्टर को सौंप दी है। टाइगर श्रॉफ ने एक्टिंग कम की है और हाथ पैर ज्यादा चलाए हैं। उनके कई फाइट सीन जबरदस्त हैं। इमोशनल और रोमांटिक सीन में भी वे बेहतर हुए हैं और बागी के बाद उनके फैंस की संख्या में बड़ा इजाफा होगा। श्रद्धा कपूर की भूमिका उनकी पिछली कुछ फिल्मों जैसी ही है, लेकिन इस एक्शन मूवी में वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। खलनायक के रूप में सुधीर बाबू हीरो को जमकर टक्कर देते हैं, हालांकि उनको फुटेज कम मिले हैं। सुनील ग्रोवर के हास्य दृश्य उम्दा बन पड़े हैं, लेकिन संजय मिश्रा ने बोर किया है। एक्शन से भरपूर बागी दर्शकों का मनोरंजन करती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ।